So students, today we will see chapter 7th variation and this video is for standard 8. Okay, so students, variation means what? क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा कर ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगी. जैसे कि एक बुक है हमारे पास और बुक का प्राइस है 20 रुपीज़, है ना. एक बुक का प्राइस है 20 रुपीज़. अगर मैं वहाँ दो ग्रुप बुक करती हूँ तो वहाँ प्राइस हो जाएगा 40. तीन बुक करती हूँ तो प्राइस हो जाएगा 60. मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी चीज का जो रेट है या अमाउंट है या वैल्यूज है वो बढ़ती है. एक चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है. तो इसे हम कहते हैं वेरिएशंस. इसी के साथ साथ एक और कह सकते हैं कि एक चीज की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे चीज की वैल्यू घटती है. ऐसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं, हाँ, वर्कर्स का एग्जांपल ले सकते हैं. कोई घर बना रहा है, वर्कर है ना, घर बना रहे, ज्यादा वर्कर रहे काम कम डेज में खत्म हो जाएगा, है ना. वर्कर्स कम रहे अगर तो उसी काम को ज्यादा से ज्यादा दिन लगेंगे. क्लियर हो रहा है? वर्कर्स और डेज को हम का प्रपोर्शन हम देख रहे हैं. तो अगर वर्कर्स के नंबर ज़्यादा है तो डेज कैसे लग रहे हैं? कम लग रहे हैं. मतलब एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है. अगर नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. वही काम बहुत दिनों तक चलते रहेगा. ये क्या हुआ? ये भी एक प्रपोर्शन हुआ. क्लियर? हम यहाँ पर डेज और वर्कर्स का प्रपोर्शन देख रहे हैं. तो यहाँ पर टू टाइप्स के आपको प्रपोर्शन देखने मिलेंगे. एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन, ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, चाहे प्रपोर्शन कहिए चाहे वेरिएशन कहिए, बात एक ही हुई. जहां जहां मैंने प्रपोर्शन वर्ड यूज किया वहां आप वेरिएशन रखकर भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल लिया मैंने, नंबर ऑफ बुक्स 12 बुक्स है, 240 प्राइस है. तो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1/20 आएगी, है ना. इसको अगर मैं डिवाइड कर देती तो 12 × 12 और 12×20 = 240 हो जाएगा. ओके, अगर नंबर ऑफ बुक्स 3 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी 60, है ना. एक बुक आ रही है, इसका मतलब क्या है? तो एक बुक जो है कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 20 रुपीज. तो अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स विल बी 60 रुपीज. कॉस्ट ऑफ 9 बुक का क्या होगा वो आपको निकालना होगा. ये आएगा आपका 180, है ना. तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे. नंबर अगर बढ़ता है बुक्स का तो वैल्यूज भी बढ़ती जाएगी. तो ऐसे प्रपोर्शन को हम कहेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन, या इस वेरिएशन को हम कह सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट है 7.1, ये डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर बेस्ड है. तो अब पढ़ते हैं 7.1. सो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रैक्टिस सेट 7.1 एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस. सर्कमफेरेंस पता है आपको, सर्कल जो पूरा कंप्लीट सर्कल होता है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. तो सर्कमफेरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? उसकी रेडियस से. इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि सर्कमफेरेंस अगर बढ़ता है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी. या फिर इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, रेडियस अगर बढ़ जाती है तो उसका सर्कमफेरेंस, मतलब उस सर्कल का सर्कमफेरेंस, मतलब उसका घेरा भी बढ़ जाएगा. क्लियर? यहां पर मैं बता देती हूँ, ये होता है सर्कमफेरेंस एंड दिस इज द रेडियस. ओके, ये बढ़ता है तो ये घेरा भी बढ़ेगा, और ये घेरा अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये रेडियस भी बढ़ेगा. इसे लिखते कैसे हैं हम? तो यहाँ सी दिया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस अल्फा साइन से लिखते हैं. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, तो हम उसे इस तरीके से लिखेंगे. अब स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं कि ये जो अल्फा साइन होता है ये वेरिएशन को शो करता है. क्लियर? इसी से हमको पता चलता है कि डायरेक्टली वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन में है ये प्रॉब्लम. ओके, तो इससे समझ में आ गया कि सर्कमफेरेंस बढ़ा तो रेडियस बढ़ा. एक और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये तो आपको इतना ही करना है, बट इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे. मतलब इस अल्फा की जगह पर आपका इज इक्वल टू के आएगा. क्लियर? अभी आपको लिखना नहीं है, ये
इक्वेशन फॉर्म हो गया और इसे प्रपोर्शन के फॉर्म में हमें लिखना था, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। आप सेकंड देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। फिर से कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल जितना ज्यादा उस गाड़ी में हमने डाला है तो वो गाड़ी डिस्टेंस ट्रैवल भी ज्यादा करेगी ना, कम पेट्रोल में कम जगह कम दूर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ज्यादा पेट्रोल में ज्यादा दूर तक जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट करेक्शन हमें शो करना है, तो इसके लिए बोला है एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, देन वी कैन राइट इन दिस वे इज इक्वल टू के डी। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट्स दिस इज योर सेकेंड प्रॉब्लम, I did not write here heading. So number of apples x and number of cost of apples y. Number of apples बढ़ेंगी तो cost भी क्या होगा, बढ़ेगा obvious. One apple है तो cost A to Z है, four apples है तो cost 32 है। अब यहाँ dash किया है तो हमें यहाँ find out करना है। तो एक और method हमारी पुरानी method थी कि हम पहले divide करते थे, cost of one apple निकालते थे और फिर जो जो numbers बोले, हाँ यहाँ पर तो one का दिया ही था तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते थे। इस तरीके से हम कुछ करते थे, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, हम यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे, तो हम इसे सॉल्व करके करना है। तो कैसे करेंगे, अब ये x है और हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू y है। ओके, इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है x इज इक्वल टू के वाई। ओके, अब यहाँ x की जगह पे पहला जो प्रॉब्लम है जहाँ पर दोनों वैल्यूज दी हुई है, आई विल राइट दोज वैल्यूज हियर in place of x, I will put 1 is equal to k and then I will write here n. Okay, so 1 upon this 8 will goes here. Okay, ये product form में है तो is equal to किधर आएगा तो divide हो जाएगा और k की value आपने find out कर ली, वो आई 1 upon 8. ठीक है, अब k की value आने के बाद क्या करेंगे, तो हम अब इस problem को लेंगे. Okay, तो ये k की वैल्यू आपको फिक्स रखना है क्योंकि यहां पर भी काम आएगी, यहां पर भी और यहां पर। कैसे करते हैं, ये x की वैल्यू है जो हमें पता नहीं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x की वैल्यूज क्या है नहीं मालूम, मैं x ही रखूंगी, पहले इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं उसे, उसके बाद देखते हैं। x इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 8, y की वैल्यू है 56। अब आपको ये बताना है कि ये 8 कितने सा 56 आता है, तो 8 × 7 = 56, मतलब 56 जो है वो रुपीज होंगी, कॉस्ट होंगी, कब होगी जब हम 7 एप्पल्स लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे क्या बढ़ना है, अभी इस प्रॉब्लम को भी लेती हूँ मैं फटाफट। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अब यहाँ पर मुझे x दिया है ना, y नहीं दिया है, x दिया है, तो मैं x की प्लेस पर पहले से इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, देन आई विल राइट 12 हियर, k की वैल्यू हमें पता है 1/8, यही वैल्यू आपको हर बार राइट डाउन करना है, देन y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ये है डिवाइड फॉर्म में, इज इक्वल टू किधर लेकर जाना है, आपको ये पता है कि जो भी वेरिएबल होता है उसे वहीं रखते हैं हम और जो नंबर्स होते हैं उन्हें शिफ्ट करते हैं, तो 12 ये डिवाइड फॉर्म में, ये होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रहा तो डिवाइड, डिवाइड रहा तो मल्टीप्लाई, कब जब इज इक्वल टू के उधर लेकर जाते हैं। वैलिड एग्जाम, ओके स्टूडेंट, एक और प्रॉब्लम है ये लास्ट, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल टू के y, x की प्लेस पर कुछ नहीं है, ये x है ना, इसकी प्लेस पर कुछ नहीं है, मीन्स एज इट इज, k की वैल्यू आपको पता है 1/8, y की प्लेस पर आपको लिखना है 160, या मल्टीप्लाई हो जाएगा x इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यस 8 × 1 = 8, 8 × 20 = 160, ये हो गया 20, 20 × 20, यहाँ पर आई x इज इक्वल टू 20। अब मैं ये जो वैल्यूज है वो लिख देती हूँ कि यहाँ 12 है तो यहाँ 96 आएगा, यहाँ x नहीं पता, ये आएगा 20, इसका मीनिंग क्या होगा, वन एप्पल खरीदते हैं तो 8 रुपीज होंगे, इसी प्रपोर्शन से हमने देखा तो 7 एप्पल्स जब खरीदेंगे हम तो 56 रुपीज होंगे, 12 खरीदेंगे तो 96 होंगे, 20 खरीदेंगे तो 160 रुपीज हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड प्रॉब्लम है,
एम इफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड व्हेन एम इज इक्वल टू 154 एंड एन इज इक्वल टू 7, जैसे इसके पहले का प्रॉब्लम हमने किया था वहां पर आपको फॉर्मेट दिया हुआ था, ब्लॉक्स बनाकर दिए थे और जिसमें आपको दोनों वैल्यूज, पहली बार में आपको दोनों वैल्यूज दी थी तो सेकंड टाइम में भी आपको दोनों वैल्यूज दी थी। ओके, अब यहाँ पर क्या किया है कि ऐसे बॉक्स कुछ बना नहीं है, बस इसी तरीके से दोनों वैल्यूज दी है। इस वैल्यू से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जब के की वैल्यू आएगी तो आगे चल के प्रॉब्लम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, राइट दिस इन इक्वेशन फॉर्म, एम इज इक्वल टू के एन, राइट डाउन एम 154 इज इक्वल टू के एन इज इक्वल टू 7। ओके स्टूडेंट, मैंने वैल्यूज पुट की है, देन ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये इज इक्वल टू किधर जाएगा, दैट मीन्स ये इसका डिविजन हो जाएगा के, और अब मुझे इसका डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा 22 इज इक्वल टू के। ओके, एक बार चेक करते थे, 7 2 14 14, हाँ यस 20 कॉन्स्टेंट आ गया 22। अब आगे बढ़ेंगे, मुझे पता है कि के की वैल्यू 22 है, फिर से मैं इससे लिखूंगी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम है, बट मुझे यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, k की वैल्यू तो अब है मेरे पास, तो m इज इक्वल टू के एन, एम नहीं पता, राइट डाउन करो जैसे कि वैसे लिखो, m की प्लेस पर आएगा 22 इंटू एन की प्लेस पर आएगा 14। अब इसे मुझे सॉल्व करना है कि यहाँ करूँगी 114, 4 2 8, 4 2 8, 1 2 2, 1 2 2, 8, 8 9 10 3 0 8। ओके, एक बार आप भी चेक कर लेंगे तो आ गया हमारा m का जो वैल्यू था वो 308 आके चुका। इसके बाद आपको इस तरीके से लिखना है, द वैल्यू ऑफ m इज 308। ओके, मेरी हैबिट है कि मैं हमेशा आंसर को ब्लॉक करती हूँ और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी आंसर जब लिखा हो तो ये इससे क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है, तो मैम को भी पहचानने में बड़ी आसानी हो जाती है, तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स, दिस इज योर फोर्थ प्रॉब्लम हियर, गिवन एम वेरीज डायरेक्टली एज एम, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर। ओके, एक बार चेक कर लूँ, n varies directly as m, complete the following number। हाँ, तो यहां बोला है n is directly proportional to m, n is equal to km। अब आपको याद हो गया होगा कैसे लिखना है, n की प्लेस पर आएगा 12, m k रहेगा m as it is, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज से आपको k की वैल्यू निकाली, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है। m की प्लेस पर आएगा 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब जब मल्टीप्लाई हुआ और इस नंबर को मुझे शिफ्ट करना है क्योंकि k को वही रखना पड़ेगा, k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब इस 3 को लेके जाती हूँ, तो 12/3 इज इक्वल टू k, 3 1 3 3 4 12 4 इज इक्वल टू k, k आ गया 4। अब बड़ा आसान है, आप चाहे इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को लो, किसी भी दो नंबर को लेंगे तो भी k की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट जो है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ 4 आया है तो ये भी लेते तो भी 4 ही आता। अब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, n इज इक्वल टू के एम, हर बार आपको ये चीज लिखनी है ना, आप सोचेंगे एक बार लिख लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। अब n की प्लेस पर मुझे कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये n है, k की प्लेस पर आएगा 4 × 6.5। ओके, n इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये पॉइंट का जब मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो भी गलत कर देते हैं बहुत बार, एक बार कर लेते हैं, 4 5 20। ओके, 4 6 24, 24 + 2, 26। ओके, अब एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ आएगा पॉइंट, ये आएगा 26, पॉइंट जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये है n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू के एम, एन इज इक्वल टू, अरे फिर मुझे n की प्लेस पर लिखना होगा 28, k की प्लेस पर 4, k की वैल्यू 4 है, m की जगह m, इस 4 को इधर लेके आती हूँ तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू m, 4 7 28 है ना, 4 1 4 4 7 28। ओके, अब ये रह गया एक 1.25 25
वन के बाद जब पॉइंट के बाद जब नंबर होते हैं तो सिर्फ सिंगल डिजिट्स करके ही बुलाते हैं। ये होगा 1.25। इसके लिए मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ स्टूडेंट, चलेगा क्योंकि आपको ध्यान में आ चुका है। अब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, n इज इक्वल टू के m, m n की प्लेस पर कुछ नहीं, 4 × 1.25। n इज इक्वल टू, अगेन मैं इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ करके बता देती हूँ, 1.25 4, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 1 4 + 1 5। या गया इतना, टू नंबर्स के बाद टू डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे और पीछे से ही पॉइंट लगाना है। ये आ गया आंसर 5। ओके अब मैं आंसर्स राइट आउट करती हूँ। एन की प्लेस पर आएगा 26, यहाँ आएगा सेकेंड आंसर था हमारा 7 और यहाँ आ गया 5। ओके स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। स्टूडेंट ये आपका एक प्रॉब्लम है, यहाँ लिखा है y varies directly as square root of x, square root of x बोला है, ठीक है। When x is equal to 16, y is equal to 24, find the constant of variation। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन इस वेरिएशन का इक्वेशन कैसे बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x, ओके y इज इक्वल टू k अंडर रूट x। अब मुझे यहाँ वैल्यूज डालनी होगी, x की प्लेस पर आएगा 16, y की प्लेस पर आएगा 24, k 16, ये अंडर रूट 16 होता है, ऐसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 24k, ये किसका इसका स्क्वायर रूट क्या है तो आपको पता है इसका स्क्वायर रूट है 4, तो हम डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं या इसे सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है, ठीक है, आप ऐसी तरीके से कर लीजिए 24 इज इक्वल टू के इंटू 4, पता है आपको 4 × 4 होता है 16, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इसका जो रूट होता है वो हमें यहाँ लिखना होता है, ओके। अब 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू के, अब हमें डिवाइड करना होगा इसको, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 4, 4 × 6 = 24 इज इक्वल टू के, के कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करने बोला था तो हमने कर लिया, ये आया 6, ओके। अब आगे बोला है इक्वेशन, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो इक्वेशन था, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसी में आपको k की जगह पर k का वैल्यू पुट करके इक्वेशन लिखना है। तो y इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k, k की प्लेस पर आएगा 6 अंडर रूट x, ये हो गया आपका इक्वेशन, ओके। मैं यहाँ पूरा देती हूँ, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ एक और आंसर प्रॉपर लिखा जाए, जैसे k के वैल्यू 6 आई है तो आप फाइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन ये बोला है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोला है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज ये हो गया कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन इज आएगा 6, ओके, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 6, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये लास्ट प्रॉब्लम है इस प्रैक्टिस सेट का, टोटल रिम्यूनरेशन पे टू लेबरर एम्प्लॉयड टू द हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद द नंबर्स ऑफ लेबरर्स, क्या बोला है, रिम्यूनरेशन मतलब क्या है, तो जो भी पेमेंट उन्हें दिया जा रहा है वो पेमेंट मतलब रिम्यूनरेशन, ओके। सो लेबर्स का जो रिम्यूनरेशन है जो सोयाबीन का हार्वेस्टिंग करने के लिए आए हैं इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबर्स, मतलब क्या बोला है कि जो भी रिम्यूनरेशन है, जो भी पैसे पेड किए जा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर्स, इसका मीनिंग क्या, तो नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ते हैं तो पैसे जो उन्हें पेमेंट जो देना पड़ेगा वो भी ज्यादा ही देना पड़ेगा, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी चीज बढ़ती है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बोला है इफ रीन्यूमरेशन ऑफ 4 लेबर्स, चार लेबर्स है
उनका जो रिन्यूमरेशन है वो 1000 रुपीज है, तो फाइंड द रिन्यूमरेशन ऑफ 17 का हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे, आपको पता है कि दो वैल्यूज आपके पास तो है, इससे हम क्या करेंगे कि कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट रिम्यूनरेशन, बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे बट ठीक है, एक्स बी एक्स देन नंबर ऑफ लेबरर्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई वाला है, x इज इक्वल टू के वाई, सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो दो वैल्यूज दी है आपको वो पुट करनी होगी, x की प्लेस पर आएगा y क्या है नंबर ऑफ लेबरर्स, मतलब यहाँ आएगा 4k और यहाँ x की प्लेस पर आएगा 1000। ओके अब 1000 ये 4 यहाँ आएगा तो आएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू k, इसकी वैल्यूज आएगी 250 इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट आया आपका 250। स्टूडेंट शायद प्रॉपर दिख नहीं रहा है आपको, इस तरीके से दिखेगा, अब आपको दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल टू के वाई, अब हमारे पास क्या है फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर, मतलब 17 लेबर्स है ये हमें पता है, तो लेबर्स की प्लेस पर y की प्लेस पर मुझे 17 लिखना होगा और k की प्लेस पर 250, k की प्लेस पर होगा 250 और इसकी प्लेस पर होगा 70 और इसका जो आंसर है वो आएगा 4250। मल्टीप्लीकेशन करके आप खुद चेक कर लेंगे कि अभी अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ओके वीडियो बड़ा होगा, तो आप ये आंसर हमारा फाइनल रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, तो आंसर में आपको लिखना होगा द रिम्यूनरेशन ऑफ जो फाइंड आउट करने बोला है वही द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स इज 4250 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका फाइनल आंसर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।